ओके सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज आरके मेहतो, वेलकम टू आरके एजुकेशन। आपका बैच कोड आरके 059 वॉइस का आज हमारा डे 4 है। आज हम सीखेंगे फाइंड द एरर। फाइंड द एरर टॉपिक ऐसा टॉपिक होता है वॉइस के अंदर जो ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है क्लासेस के अंदर, क्योंकि वॉइस और नरेशन में सिर्फ हम इतनी बातें सीख लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाएगा, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाया जाएगा, लेकिन फाइंड द एरर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन इस पर कोई भी डिस्कशन नहीं होता क्लास में। इस वजह से एग्जामिनेशन में बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो चलिए आज की क्लास में ये फाइंड द एरर के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं आज हम उसको ख़त्म करें। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूँ दोबारा कि इसके जो बेसिक रूल्स रेगुलेशन बेसिक टर्म्स होते हैं वो क्या क्या थे, वो मैं आपको बता देता हूँ वॉइस के अंदर। देखो इसके जो बेसिक रूल्स थे क्या क्या थे, इज एम आर वॉज वर और लास्ट बी बी एंड बी। ये चीज आप पांचवी छठी बार पढ़ रहे होंगे और इतनी बार ही समझ चुके हो कि अब आपको रट गया होगा जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं। इज एम आर वॉज वर और बी बीन बीन, अगर इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ जाती है तो ये पैसिव होता है और इसको जोड़ने के सारे सेंटेंस एक्टिव होते हैं, ठीक है। और इस पैटर्न को छोड़ करके दुनिया के सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं। क्लियर हो गया इतना? चलो अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो हम फाइंड द एरर के पॉइंट्स को कॉन्सेप्ट्स को आज हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने यार रखता हूँ, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे फाइंड द एरर को कैसे शॉर्ट आउट किया जाए। लिखिएगा जरा एक आध सेंटेंस मेरे साथ। सोमा हैज बीन वॉस्ट ऑल द, बेटा म्यूट करोगे कि मैं गला दबाऊं तुम्हारा, ऑल द यूटेंसिल्स। अगला मुझे म्यूट करना पड़ेगा, लिखो अगला। मोनिका हैज बीन रिपेयर्ड माय कार। अगला ऑल द स्टूडेंट्स All the students have punished for the mistake next Sangeeta has painted the picture The thief has arrested. Agla. The letter has been सेंट। चलो ये छह सेंटेंसेस एक बार लिख लो। सर आप कहाँ पेंटिंग देखते हो मेरी? अच्छा अरे सपने में। जहां रिश्ता दिल से दिल का होता है वहां पे आंखों की जरूरत नहीं होती है। ये वाले बच्चे आज कहाँ रह गए यार, इनको मिला नहीं क्या लिंक? एक बार दोबारा भेजता हूँ, आए नहीं इस वाले ग्रुप के बच्चे। एक सेकंड में चलो आप जरा नोट करो, एक बार मैं इस ग्रुप में एक बार दोबारा भेज देता हूँ। पगलेट आए कैसे नहीं अभी तक? बम से उड़ा दूंगा इन्होंने। जाना चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं,
शुरू करते हैं फिर। हाँ, ये आंसर आना शुरू होगा। ग्रेविटी आंसर की बात अभी हमने करी नहीं है, आप सिर्फ नोट कर लो, उसके बाद अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि किसको कैसे करना है। लिखने का काम हो जाए तो ठेंगा दिखाना है, लिखने का काम पूरा हो जाए तो ठेंगा दिखा दो। सर मैंने ज्वाइन कर लिया है, ये कौन है? अच्छा सलोनी, ओके सलोनी कहाँ है? ये रही सलोनी, ओके। अंधेरे में बैठे रहते हो क्या? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फिर। देखो यहाँ पे ये इतने सारे जो हमने सेंटेंसेस लिखवाए हैं, इनमें गलतियाँ हैं, कईयों में मिस्टेक्स है, हो सकता है कईयों में ना भी हो, राइट? तो अब ज़रा देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत होगा। अब कैसे पता चलेगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो यहाँ पे इसकी एक बड़ी ही प्यारी सी सुंदर सी टेक्निक होती है, अगर आप ध्यान से 2 मिनट ध्यान से देख लोगे तो ज़िंदगी में कभी भी इनके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। कैसे? देखो, हाउ टू फाइंड द एरर, हाउ टू फाइंड द एरर, एरर को फाइंड कैसे किया जाता है, ठीक है? एरर्स को फाइंड आउट कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक ट्रिक होती है इसकी बहुत ही प्यारी, वॉइस के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने, मतलब उसको सॉल्व करने की निंजा टेक्निक। देखो क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कान खोल के चश्मा लगा के। जब भी हम किसी सेंटेंस को, एक मिनट थोड़ा पास ले आता हूँ मैं आपको, अब ज़्यादा बेटर आवाज़ आ रही होगी। देखो किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही होता है। जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा, राइट? अच्छा देखो, अगर हमारे पास सेंटेंस के आगे जो भी आता है हम सबको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट्स 2 तरीके के होते हैं, कितने? 2 तरीके के, ध्यान से समझना। एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डूअर, और एक सेंटेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डन। डूअर का मतलब होता है जो काम करे, यानी जो कार्य करे उसे डूअर कहते हैं, और डन का मतलब होता है जिस पर कार्य हो, जिस पर कार्य हो यानी कि जिस पे काम किया जाता है उसे डन कहते हैं, ठीक है? अच्छा आपने हिंदी में पढ़ा होगा इसको कर्ता बोलते हैं, कर्ता, इसको शायद बोलते हैं कर्म, ऐसे ही होता है ना कुछ, और ये वर्क हो गई क्रिया, है ना, ये वर्क को क्रिया बोलते हैं। बस इतनी बात आपको समझनी थी कि अगर सेंटेंस की शुरुआत डूअर से हो यानी कर्ता से हो तो सेंटेंस हमेशा किस टेंस में बनेगा, एक्टिव वॉइस में, और अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो, डन से, तो किस में बनना चाहिए सेंटेंस, पैसिव में। याद रहेगा, इतनी बात नोट कर लो जल्दी से एक बार फटाफट से, मैंने क्या बताया फिर मैं समझा दूंगा, या पहले चलो समझा ही लेता हूँ फिर नोट करना, ठीक है? मैं फिर से बता देता हूँ, देखो क्या कहा मैंने, सेंटेंस हमेशा ऐसा बनता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी है। सब्जेक्ट हमेशा 2 तरीके का होता है, एक होता है डूअर, एक होता है डन। डूअर का मतलब होता है जो काम करे, काम करने वाले को डूअर कहते हैं, यानी हिंदी में कर्ता। डन का मतलब होता है जिस पे काम किया जाए, यानी जिस पे कार्य हो उसे हिंदी में कर्म बोलते हैं। तो अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग डूअर से हो रही है तो एक्टिव वॉइस, डन से हो रही है तो पैसिव वॉइस। इतनी बात क्लियर है, एक बार ठेंगा दिखा दो। इतनी बात क्लियर है तो ठेंगा दिखा दो। शाबाश शाबाश, बढ़िया बढ़िया। कपिल पटेल, ये कौन आए भाई? संगी, मोनू, ठेंगा दिखाओ भैया। गचे संगीता, तारा तारी का मोने थाक बे, चलो मोने थाक बे। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब सोमा हैज वॉश्ड ऑल द यूटेंसिल्स। अब देखो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, वॉश। देखो सब में मेन वर्ब कुछ ना कुछ आ रही है, यहाँ पे वर्ब है वॉश, यहाँ रिपेयर, यहाँ पे पनिश, यहाँ पेंटेड, अरेस्टेड और सेंट, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हमारे पास सोमा सब्जेक्ट है। अब जरा खुद कॉमन सेंस लगाओ, मुझे बताओ यहाँ पे सेंटेंस में सोमा सब्जेक्ट है, अब सोमा डूअर है या डन है, मीनिंग क्या आ रही है? सोमा हैज बीन वॉश्ड ऑल द यूटेंसिल्स, सोमा ने बर्तन धोए या बर्तन ने सोमा को धोए, बताओ क्या मीनिंग आ रही है? देख सकते हैं, मैं आप लोगों का गला छोड़ देता हूँ, मैंने फालतू में गला दबा रखा है आपका, आप सही है। सोमा ने बर्तन धोए, एग्जैक्टली, तो सोमा ने बर्तन धोए, सोमा ने धोए, एटलीस्ट वो पार्टनर डीएस
बर्तनों में धोया, सोमा को बर्तन है नहीं। चलो तो सोमा हो गई हमारी काम करने वाली डूअर, और डूअर है तो सेंटेंस एक्टिव या पैसिव, तो एक्टिव में, एक्टिव में बी समझे। अगला देखो, मोनिका हैज बीन रिपेयर्ड माय कार, मोनिका ने मेरी गाड़ी रिपेयर करी या मेरी गाड़ी ने मोनिका को रिपेयर किया, बताओ मोनिका। शाबाश, तो मोनिका ने रिपेयर किया, यानी कि मोनिका क्या है फिर से डूअर, और डूअर है तो एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है तो बी नहीं आएगा। अब समझ में आ गई बात। एक और देख लो, ऑल द स्टूडेंट्स हैव पनिश्ड फॉर द मिस्टेक, अब ये बताओ स्टूडेंट ने पनिश किया या स्टूडेंट्स को किया गया। स्टूडेंट्स को किया गया, को किया गया, स्टूडेंट्स को किया गया, इसका मतलब ये डन है। डन है तो पैसिव वॉइस, पैसिव है तो बीन आएगा, हैव के बाद बीन आएगा, हैव बीन, हैव बीन पनिश। इजी है टास्क, मौज कर दी। अरे भैया ठेंगा दिखा दो अगर क्लियर है तो। क्लियर है सर। करो अपने आप बेटा, आपकी आवाज आनी बंद हो गई। कोई और जरा कुछ बोलना। सर फोर्थ करेक्ट है, हमारी आवाज आ रही है, सुनने की नहीं। फोर्थ करेक्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बेटा करेक्ट है, फिफ्थ इज रॉन्ग, द फिफ्थ हैज बीन रॉन्ग। ये कौन बोला, ये रॉन्ग कौन बोला पहले ये बताओ। ये दोनों के दोनों, ये तुम, ये नंदू तुम्हारी है ना, मोनिका जी तुम्हारी नंदू है ना। हाँ जी, बढ़िया। नंदन बोलते हैं ना, नंदू बोलते हैं, नंदन बोलते हैं, नंदन बोलते हैं। चलो तो बीन का यूज किया जाएगा। देखो संगीता हैज पेंटेड द पिक्चर, तो संगीता ने पेंट किया या संगीता को पेंट किया, तो संगीता ने पिक्चर पेंट किया। ने है एक्टिव वॉइस, एक्टिव है तो करेक्ट है क्योंकि बीन नहीं आ रहा। अगला, द थीफ हैज अरेस्टेड, चोर ने अरेस्ट किया या चोर को किया गया, तो चोर चोर को किया, चोर को किया गया। देन है पैसिव वॉइस, पैसिव में क्या आएगा तो बीन लगा। अगला, द लेटर बीन सेंट, इसमें बोलो राइट या रॉन्ग। राइट है, राइट है, करेक्ट है, ये करेक्ट है सर। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट। पुत्र और पुत्रियों यस और नो, यस। मैं नलायक हो, आवाज आनी बंद हो गई तुम्हारी। यस सर। अरे एक सेकंड यार, क्या वायर हिल गई है मेरी साइड से, जो बोलना है। हेलो हेलो हेलो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस दूं आपको, वही करवाऊं, शुरू करें। यस सर। हां जी सर, जैसे क्लियर हो गया ये रूल रेगुलेशन और ये सब कुछ, तो चलो आप तैयार हो जाओ और कॉपी पेन उठा लो, चाहो तो सेंटेंस भी साथ में लिख सकते हो। चलो वन नंबर से स्टार्ट करो। चलो शुरू करो, पढ़ो ध्यान से। कौन कौन है यार, कुछ बच्चे नए भी लग रहे हैं आप में से। कौन है, कमली, कमली वही हो ना कल वाली। ठीक है, बाकी भी करो, फर्स्ट करके रुकना नहीं है,
मतलब आपके स्क्रीन पे मैंने 1, 2, 3, 7, 8, 9 ये 6 क्वेश्चन दिए हैं। वैसे कोशिश करो कि 1, 2 और 3 ये 3 क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर कर दो। ऑब्वियसली घर में ही होगा ना? हाँ बिल्कुल घर में ही होगा और क्या, बाहर थोड़ी हो। बिल्कुल मोनिका हो आप भी, कार्टून नंबर 1। सर आप मुझे कार्टून क्यों बोल रहे हो? आप आए हो, एप्रिशिएटेड होगा सर। मैंने देखा ही नहीं आप भी आए हो, मैं काम था नंबर बना ध्यान नहीं गया, पता नहीं था आप हर बार कैमरा ऑन करके रखते थे, आज ध्यान देखा नहीं आपको। सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत हेड पेन है। चलो कोई नहीं, कोशिश करके क्लास ले लो, अगर ना हो पाए तो कोई बात नहीं। चलो 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 आंसर आंसर कुछ इलाज बता दो, कुछ इलाज बता दो आप। इलाज यही है, देखो 4 बादाम पानी में भिगो, ठीक है, और सुबह उसको मेरे एड्रेस पे भेजो, सिंपल। चलो देखो, एनी स्टेप दैट द गवर्नमेंट टेक्स टू एस्टैब्लिश पीस इन द स्टेट विल बी अप्रिशिएट। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ये पहले किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आ चुके क्वेश्चंस हैं, चाहे SSC, DSSSB, बैंकिंग या अदर कितने भी अदर अदर एग्जाम्स होते हैं, उनमें से मैंने निकाले हैं क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे जब भी किसी भी क्वेश्चन में वॉइस से रिलेटेड गलती ढूंढनी हो तो क्या करो, सीधा वर्ब को पकड़ो। यहाँ एक वर्ब आ रहा है टेक्स और एक वर्ड आ रहा है अप्रिशिएट। वैसे अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे ना, और अगर आपने वॉइस का ABCD भी पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा डीप में जाना चाहते हो तो देखो मीनिंग क्या बनती है। एनी स्टेप दैट द गवर्नमेंट टेक्स टू एस्टैब्लिश पीस इन द स्टेट विल बी अप्रिशिएट। कोई भी ऐसा स्टेप जो गवर्नमेंट लेगी इसलिए टू एस्टैब्लिश पीस इन द स्टेट, स्टेट के अंदर पीस एंड हारमोनी को बनाए रखने के लिए उन स्टेप्स को अप्रिशिएट किया जाएगा, तो विल बी अप्रिशिएटेड, ठीक है। ये जो अप्रिशिएट है इसको काटो, इसकी जगह आ जाएगा अप्रिशिएटेड। और वैसे भी ग्रामेटिकली एरर ये है कि विल प्लस बी और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म को भी नहीं आती है, तो हो गया अप्रिशिएटेड। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? नेक्स्ट किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लेना, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया वर डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट्स। बोलो आंसर। बी, वेयर बीइंग डिस्कवर्ड। अच्छा, वेयर बीइंग डिस्कवर्ड, व्हाट बीइंग डिस्कवर्ड। क्या बात है सर, इट शुड बी वर डिस्कवर्ड एज टू ड्रग एडिक्ट, एज एज। ओ वेरी गुड वेरी गुड। ये रिद्धिमा ही है ना? यस सर। बेटा तुम ही कह रहे थे रोस्ट करते सारा बच्चों तगड़ा वाला बेटे, मौज कर दी तुमने तो है। एनीबॉडी एल्स, और कोई जवाब देगा? चित्रु, कोमल, ये लोग साइलेंट फॉलोवर है। नो वर, नो वर मतलब क्या लिखना चाह रही हो? ठीक से लिखा करो पुत्री, समझ नहीं आता है क्या मतलब वर को डिलीट कर दे, ये कहना चाह रही हो? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही कि वर को डिलीट कर दो, मैं कह रही हूँ वर को डिलीट कर दो। अरे तो वर ही तो बोला मैंने भी, क्या तुम भी पकड़े ठोए। चलो देखो, द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया वर डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट्स। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी चीज नहीं है, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, बस हो गया आपका क्वेश्चन आंसर हो गया पूरा। मैं समझाता हूँ, देखो करें स्टार्ट। देखो नशेड़ी, चर्सी, गंजेड़ी आपको नहीं कह रहा, तो पुलिस ने इन लोगों को ढूंढा, ठीक है। अब कॉमन सी बात है, खुद सोच के देखो कि यहाँ पे मीनिंग इसकी क्या आ रही है, कि वो पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया, वो पुलिसमैन जो इस एरिया में ड्यूटी पे था, उसने नशेड़ी, गंजेड़ी, चर्सी को ढूंढा, या फिर नशेड़ी, गंजेड़ी, चर्सी ने पुलिसमैन को ढूंढा? तो पुलिसमैन ने ढूंढा, तो पुलिसमैन ने ढूंढा यानी एक्टिव बनना चाहिए, एक्टिव बनना चाहिए, तो वर्क कैसे आया? वर्क आउट आंसर हो गया आपका। मैं फिर बताता हूँ, देखो बहुत कॉमन सा था, ध्यान से सुनना, कोई बड़ी चीज नहीं थी। जब एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ बेटा, इसको लिख लो कहीं पे, छाप लेना। अगर कभी भी
WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ जाए, WH फैमिली, who, why, where, what, who, when, how, जो भी, तो उस सेंटेंस को बीच से हटा देना, जहां तक अगला वर्ब नहीं आ रहा ना तहां तक इसको मिटा के, यहां से यहां तक मिटा दो, एक बार यहां से लेकर के यहां तक समझ लो हट गया, ठीक है। अब पढ़ लो एक बार, क्या बना? द पुलिसमैन वर डिस्कवर्ड। अब देखो वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप सबको पता है ये सर पैसिव वॉइस है, वाज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या होती है? पैसिव वॉइस होती है। अब खुद कॉमन सेंस बताओ कि पुलिसमैन ने नशेड़ी गंजेड़ी जर्सी को ढूंढा या उन्होंने पुलिसमैन को ढूंढा? पुलिसमैन ने नशेड़ी जर्सी को ढूंढा। सारे तुम्हारे तरह के बेरोजगारी बैठे हैं, कमाल। दो तीन इसी बैच में भी आपसे हम जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उसमें से तीन चार पुलिस में है, एक दूसरे घर से उठा लेंगे। और क्या कुकर की सीटी लगा रहे हो? सीटी लग रही है, सीटी। सर कुछ बच्चे ज्यादा ही होते हैं। म्यूटी रखो यार अंशु प्लीज, प्लेज। देखो सर मैं इसका फादर बोल रहा हूँ। अच्छा 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 नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होगा। अब ध्यान से सुनिए बेटा, देखो मैंने क्या समझाया फिर से समझ लो। देखो मैंने कहा अगर कभी भी डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस के बीच में आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट के लिए सारे बच्चे कमेंट्स को छोड़ देना, मैं जो बता रहा हूँ फिर से सुनो, ये ट्रिक हर तरीके के क्वेश्चन पे आएगा। डब्ल्यू एच फैमिली अगर कभी भी सेंटेंस के बीच में आ जाए तो वहां से लेकर के जहां तक उसका अगला वर्ब ना आए तब तक पूरा सेंटेंस मिटा दिया करो। जैसे यहाँ से मिटा दिया करो का मतलब सिर्फ गायब करके पढ़ लिया करो, ऐसा नहीं कि सच में काटना है आपको, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गायब कर दो, क्योंकि देखो अगला वर्ब यहाँ वर आ रहा है तो हु से लेकर के एरिया तक मिटा दिया करो, ठीक है। अब पढ़ के देखो सेंटेंस क्या बना, सेंटेंस बन गया द पुलिसमैन वर डिस्कवर्ड। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, और आपको याद होगा मैं तीन क्लास निकली है वॉइस की और मैंने आपको ये चीज डिटेल में सिखाई है कि इज एम आर, वॉज वर, बी बीन और याद आया बींग, ये कितने आठ वर्ड होते हैं, इनके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो पैसिव होता है। तो या ये तो साफ साफ दिख रहा है कि सर ये तो पैसिव है, ये तो पैसिव है, तो ऐसे में अपने आप कॉमन सेंस लगाओ कि पुलिसमैन ने ढूंढा या पुलिसमैन को ढूंढा गया, तो पुलिसमैन ने ढूंढा, तो पुलिसमैन ने ढूंढा तो जाहिर सी बात है एक्टिव में बनना चाहिए, एक्टिव में बनना चाहिए तो क्या करो वर्क काट दो। अब अगर आप वर्क काट दोगे तो ये जो डिस्कवर्ड पहले वर्क की थर्ड फॉर्म बन रही थी ना, अब ये अपने आप की वर्क की सेकेंड फॉर्म बन जाएगी, समझे मेरी बात को। मैं यहाँ पे एक बार उस चीज को दोबारा से एक बार लिखवा देता हूँ, एक सेकेंड। देखो अगर ने वाली बात आए तो समझ लेना डूअर है, यानी एक्टिव वॉइस बनेगा, और अगर को वाली बात आए तो डन है, इसका मतलब पैसिव बनेगा। अब क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, एक बार ठेंगा दिखा दो सर, सोमा, अंशुल, श्रेया, मधु प्रजापति, जितने भी स्टूडेंट है क्लियर, एक बार ऐसे दिखा दो, शाबाश, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को वापस देखते हैं। हाँ तो सेकंड वाला फर्स्ट वाला दोनों आ गया अच्छे से, किसी को डाउट हो तो उसी वक्त पूछ लेना। अगर आपके साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से साउंड में इरिटेशन हो रही है तो आप लिख करके पूछ लेना, या व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, मेरा व्हाट्सएप भी खुला हुआ साथ में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हाँ जी थर्ड नंबर का शुरू हो जाओ, एक आधे मिनट का टाइम है, जल्दी आंसर दो थर्ड का। बताओ बताओ निधि, नाव के साथ बाय नहीं लगता, नाव के साथ, ये कौन था सर, कौन था ये नाव, वाज बीइंग नोन, नाव के साथ, मीटिंग अपग्रेड हो गई, मीटिंग अपग्रेड के हैरान हो गए, नाव के साथ बाय नहीं लगता, मतलब कौन सा नाव आ गया, बढ़िया, इट शुड बी वाज नो, देखो
as the first president of India, Dr. Rajan Prasad was now two. सोमा ने बोला था क्या ये? Non two. सही है बेटा, आंसर आ गया. हाँ सर, हाँ. बेटे बढ़िया, तुम हैवी ड्राइवर हो गई हो अब. चलो अगले क्वेश्चन पर. फास्ट ना सर. नाउ के साथ. नेक्स्ट आंसर दो इसका. इनका भाई ये जो हिस्सा है मेरा, ऐसा लगता है ये किसी ने यूं बांध रखा. हाँ कौन सा हिस्सा? और कैरेक्टर हिस्से में गर्मी बहुत लगती. श्वेता वाला कांड करोगे और कुछ नहीं. अगला बोलो सर क्या हुआ था. अरे तो ये देखो, ये बच्चा है भाई, इसने पोगो देखो, तुम्हें कुछ नहीं पता. वो अठन्नी को भी पता, तुम्हें नहीं पता. फोर्थ नंबर का क्वेश्चन. मेरे को नहीं पता, बता दो एक बार. सर मुझे भी नहीं पता सर. पर्सनली मैसेज करना, मैं बताऊंगा आपको, लिंक भेज दूंगा. मुझे भी नहीं पता सर. अबे हो गया रे. अब अगला फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बोलो. जल्दी 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 आंसर दो. बड़े भोले भोले रहेगा बेटा. भोले बी आएगा. बी आएगा भाई. ऐसे ए बी सी डी मत बताओ एग्जैक्ट आंसर कि सर ये नहीं आएगा, इसकी जगह ये आएगा, ऐसे करके बताओ. सही आंसर तो ऐसे पक्के में भी आते हैं. वो भी आएगा सर. फोन कॉल में फोन कॉल अनम्यूट करके. अच्छा 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 बेटे प्रथम, तुम्हें पता है इसका मतलब. चलो मैं बताता हूँ. देखो, द पीएम अश्योर्ड द पीपल दैट हिज गवर्नमेंट वुड डू इट्स बेस्ट टू सप्रेस कम्युनलिज्म. तो आप लोगों का आंसर आया था इसका बी, राइट? बी आंसर दे रहे. बी बी बोला ना रिद्धि. यस सर. बी सर मैंने बोला. अभी बी बोला ना. बी बोला. बी बोला. बी बोला है. बी आएगा सर. शाबाश, बहुत अच्छे. गलत है बिल्कुल. बी आंसर नहीं होगा. सबसे गलत आंसर. बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हो. बी ऑप्शन क्या होगा इसकी जगह? सी होगा बेटे. बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत है. ये नो एरर है. अठन्नी चौवन्नी नो एरर है. ये देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे वर्ब है, एक आ रहा है अश्योर, ठीक है, और एक आ रहा है डू. अब ध्यान से समझिएगा इसको. पीएम ने अश्योर किया या पीएम को अश्योर किया गया? तो पीएम ने अश्योर किया, ठीक है. अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट बन रहा है, सही है. पीएम ने अश्योर किया किसको? लोगों को. क्या अश्योर किया? दैट हिज गवर्नमेंट वुड डू इट्स बेस्ट. अब देखो यहाँ अश्योर पास्ट है तो वर्ड अपनी जगह सही है. अगर यहाँ पे विल होता तो गलत होता. तो वुड डू इट्स बेस्ट, इट्स आया गवर्नमेंट के लिए. इट्स बेस्ट टू सप्रेस कम्युनलिज्म. तो कहीं कोई गलती नहीं है. गलती होने के चांस कहाँ कहाँ थे? अगर यहाँ वॉज इज़ मार कुछ होता तो गलत होता. वुड की जगह विल वगैरह होता तो गलत होता, ठीक है. तो फिलहाल अभी सही है. सर हाँ, पर इधर वुड है तो ये मोबाइल है ना, इसके साथ तो बी आना चाहिए ना. हाँ तो बी आ नहीं रहा. हाँ तो देखो, अगर हमारे पास एक्टिव में मोडाल आता है तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि मोडाल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. सिखाया था कि नहीं? हाँ, है ना. तो फर्स्ट फॉर्म बी भी होती है और फर्स्ट फॉर्म डू भी होती है. और जब मेन वर्ब हमारे पास आ रहा है, एक्शन वर्ब आ रहा है, तो बी को क्यों लगाएं? आप समझे मेरी बात? तो यहाँ पे वुड डू, अगर डू की जगह डन होता या कुछ और होता तो गलत होता. यहाँ पे डू की जगह अगर डन या डिड लिखा होता तो गलत होता. यहाँ पे एक और नया पॉइंट लिखवा देता हूँ, इससे थोड़ा आगे और ईजी रहेगा आपको समझने में. लिखो जरा एक यूनिवर्सल रूल ऑफ इंग्लिश, लिखो सारे लोग. अगर इंग्लिश में कहीं पे भी डू, डज या डिड आ जाए तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. अगला, अगर इंग्लिश में कभी कोई मोडाल आ जाए तो उसके बाद भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. तीसरा, अगर कभी भी मोडाल के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हमेशा या तो नहीं, इसको खोल के लिखता हूँ एक मिनट. अगर मोडाल के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म. और एक्टिव के अंदर फोर्थ फॉर्म. अगर एक्टिव है तो फोर्थ फॉर्म, ठीक है.
जैसे होता है ना फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस आईएनजी है ना। अच्छा अगला पॉइंट कि अगर मोडल के साथ कभी भी हैव आया इसमें भेजा है, अगर मोडल के साथ कभी हैव आ गया जैसे विल हैव वगैरह ठीक है तो इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो जल्दी से नोट कर लो। लिख लिया ये yes, चार पॉइंट्स रट मारो कि मोडल के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब बी है तो वर्ब की थर्ड फोर्थ फॉर्म, अगर एक्टिव में है तो, और पैसिव में है तो थर्ड फॉर्म, और मोडल के साथ हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है, और अगर अकेला मोडल है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है। इसको और बेटर जानना है तो ऐसे जान लो कि मोडल के साथ अगर बी आ रहा है तो एक्टिव में आईएनजी और पैसिव में थर्ड फॉर्म, और अगर मोडल के साथ हैव है तो चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म। याद रहेगा ये रिधिमा नाखून चबा रही कंफ्यूज हो गई लग रहा, इसको पहली बार लड़के नाखून चबाया तो समझ लो कि बेटा दिमाग की बत्ती कहीं बुझी हुई है, इसका मतलब घंटी नहीं चली दिमाग की। चलो ये आगे और डिटेल में वर्ब में पहुंचने दो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फिफ्थ नंबर का, थोड़ा जूम कर दूं और एक मिनट। हाँ ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। ऑप्शन सी कौन सा? ऑप्शन सी ऐसे नहीं मत बताया करो, सी डी भी नहीं, ऐसे उसका सही आंसर बताओ कि क्या गलत है क्या करना है। सुरभि वो कहाँ गए अपनी? सर पहले तो बी में मेन लिखे एम ए एन ई, वो नेम होना चाहिए है ना। ओ माय गॉड सॉरी ये माय मिस्टेक, इग्नोर करो इसे। और सर सी पार्ट में प्रॉब्लम लग रही है, इसमें हु हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका है ना, तो हु हैड बीन नहीं आना चाहिए। ऐसे मिस्टेक हो गई। चलो हाँ जी क्या बताया आपने, क्या नहीं आना चाहिए? Who had been discovered की जगह been नहीं आना चाहिए सर। Been नहीं आना चाहिए, बाकी सब सही है राइट, ये कहना चाह रहे हो? Yes sir. Okay. Yes sir. Let us complete. Okay okay. राखी ठाकुर चित्रु बेटा तुम क्या यहाँ भजन सुनने आए हो? ये बाकी बच्चे क्या भजन सुनने आते हैं? मतलब ना आंसर करते हैं ना कमेंट करके अपना आंसर बताने की कोशिश करते हैं, कुछ आते हैं नाखून चबाते हैं है? देखो ये नाखून चबाने में लगी हुई है, सही है बेटा तुम। चलो देखो क्या बताया था आपने सुरभि, बीन नहीं आएगा, बहुत बढ़िया बेटे शाबाश बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, बीन नहीं आएगा ठीक है, सही जवाब आपका। समझिएगा गौर साहब इसको ऐसे कैसे हुआ, आपके बोलने के तरीके से मुझे लगा गलत जवाब है। अरे 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 गलत क्यों होगा, कमाल जब आपने आंसर हां सर लग रहा था। अरे ऐसा थोड़ी होता है, हर बार थोड़ी मैं गलत करता हूँ। सुनो गौर से His grandmother told me about the girl who had been painted that wall. ठीक है अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्लियर हो जाएगा तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा। उसकी ग्रैंड मदर ने मुझे उस लड़की के बारे में बताया, अब ये हु को पढ़ो, उस लड़की के बारे में बताया जिसने दीवार पेंट करी या दीवार ने जिसको पेंट किया, सोचो क्या मीनिंग आ रही है, जिसने या जिसको, तो जिसने दीवार पेंट करी यही तो आएगा, जिसने एक्टिव वॉइस बनना चाहिए, जिसने ने वाली बात आ रही है एक्टिव बनना चाहिए, एक्टिव बनना चाहिए तो अभी सिखाया पीछे भी नहीं आया। आप समझ में आई बात, क्लियर हुआ?
समझे कि नहीं, किसी को कोई डाउट तो नहीं बचा? शाबाश, अपने प्रश्न पे वापस। आप देखो ये भी तो और समझा दीजिए सर। समझा देते सर, वो नेट का मुझे आज बहुत ज्यादा वाईफाई, पड़ोसी का वाईफाई खींच के करोगे तो क्या होगा? देखो फिर समझो। His grandmother told me about the girl. उसकी grandmother ने मुझे उस लड़की के बारे में बताया। Who? जिसने दीवार पेंट करी या जिसको दीवार ने पेंट किया? खुद सोच के बताओ संगीत। जिसने या जिसको? जिसने दीवार सर, जिसने जिसने दीवार जिस... ने वाली बात आ रही है तो एक्टिव आएगा कि पैसिव आएगा? सोचो तो एक्टिव आएगा सर। एक्टिव, एक्टिव में भी नहीं भैया बच्चे मोने थाक बे सर। एक्टिव में क्या बोला आपने? एक्टिव में क्या सिखाया? एक्टिव में बीन नहीं आता, बीन के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म तो पैसिव होती है सर। पीछे का आधा मैं सीख नहीं पाई, वो नेट बहुत कट रहा है ना, आधा समझ में आ रहा था सर। मैं बैकअप मानने ही वाली थी इसके बाद। हां सर, आज काफी नेटवर्क इशू है। ई ना छोड़ बे, ई ना छोड़ बे, ई ना छोड़ बे। चलो सर, ई ना छोड़ बे नहीं सर, एटा छोड़ बे ना। ओ सॉरी सॉरी सर, एटा छोड़ बे ना। अगला क्वेश्चन 6, एटा छोड़ बे ना। हां आंसर करो, आंसर करो अगले का। अरे मतलब जो अगला क्वेश्चन है वो करो, सिक्स नंबर का। सिक्स का करो, क्या लग रहा है बताओ? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखो। The case was inquired a month ago, but no report has come yet. तो इसका आंसर क्या बताया? किसी ने बी बताया था, राइट? कौन था? बी बताया, रिधिमा ने बी बताया था शायद। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। नो सर, सुरभि, रिधिमा और मोनिका, इन तीनों ने बी बताया है। नो सर, सॉरी मुझे लगा आपकी आवाज है, सुरभि और मोनिका थी वो। चलो कोई नहीं, बढ़िया। तो क्या आंसर आया? बी ऑप्शन आएगा बेटा, गलत है बिल्कुल आंसर, बी नहीं है इसका आंसर। इसका सही आंसर है ग्रेविटी। क्या बता रहे हो सर? नो एरर है। अरे बेटे मौज कर दी, नो एरर है, शाबाश। लौंडा चमक गया, नो एरर है। देखो, द केस वाज इंक्वायर्ड अ मंथ अगो बट नो आंसर, रिपोर्ट का मतलब यहाँ पे आंसर के फॉर्म में आएगा। बट नो रिपोर्ट हैज कम येट, किस केस को एक महीना पहले इंक्वायर समझते हो ना, जांच पड़ताल, खोजबीन, इंक्वायर किया गया था, बट अभी तक उसका कोई भी आंसर नहीं आया, यानी कि उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, यानी कि जो रिपोर्ट बनी होगी फाइनल वो अभी तक पहुंची नहीं है, ये मीनिंग आई है इसकी। चलो अगला प्रश्न। जल्दी जल्दी बताओ, सर बी में एट हर साइड की जगह कुछ और है। देखो आप लोग भी कोशिश किया करो, जो ये बच्चे चुपचाप बैठे हुए ना, ये लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कोशिश किया करो, चाहे लिख के चाहे बोल के, लेकिन पार्टिसिपेट किया करो आंसर में, ताकि आप लोगों को ये याद रहे आखिरी तक। कुछ बच्चे हैं बिल्कुल भी बोलते सर, ही नहीं है। बोलना है सर, कौन सा बोलना है? टोटली ना छोड़ दे, देखो हिडन आएगा, हिडन। हाँ शाबाश, नेटवर्क होस्टे ना, तो हिडन हिडन आस्चे। देखो हिडन का यूज किया है, हाइके बोले छिलाम ऊपर से चेक करेनी ना, उन नीचे की कोई को चेक करते के सोना ही जाछ ना किछु। ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, डांट काए रही है। अब बता, हो गई दिल के पार बेइज्जती। देखो तो शी हेल्ड समथिंग एट हर साइड व्हिच वाज टोटली हिडन, क्योंकि वो हिडन था ना कि वो हाइड कर रहा था किसी और चीज को। वैसे भी साड़ी जो है वो तो नॉन लिविंग थिंग है, अब वो अपने आप से तो कोई एक्शन करेगी नहीं, राइट? तो ऐसे में वो हाइड हो रही थी उसकी साइड ऑफ साड़ी से, इसलिए हिडन।
जैसे बोलते हैं ना यार, the pen was hidden, pen जो है वहाँ पे उस चीज के पीछे छुपा हुआ था, मतलब कि सर एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे क्या सर? आपसे रिक्वेस्ट है मैडम जी, अगर अपने बच्चे को डांटते हो तो प्लीज माइक ऑफ कर दिया, बच्चे घबरा जाते हैं। एक तो आप बंगाली में डांटते हो, मेरा बच्चा माइक ऑफ करके डांट सर, मेरा बच्चा तो यहाँ है ही नहीं, वो ऊपर है। तो अभी डांट किसको रहे थे? मेरे को वो तुरी सर डांट नहीं रही थी सर, ये तो हम लोग की नॉर्मल बातचीत चल रही थी, मतलब अगर ऑन हो गया होगा सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। ओ ये बात थी, ये तो वही चीज हो गई। सर आपने पीकू नहीं देखी? नहीं नहीं सर, आपने पीकू नहीं देखी? पीकू में तो नॉर्मल बातचीत होती है। ये वही चीज, ये वही बात हो गई कि वो जो चुप चुप के मूवी में नहीं, उसको रोटी लाके देते हैं तो कहता है आ रही है, इसलिए तो काट देंगे। ये वही बात हो गई। सर क्या एक कौन है? मैं आपको लिंक भेज दूंगा उस मूवी का, अच्छी है देखना। चलो इसका आंसर वापस समझा देता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपस में बात भी करते हो तो माइक को ऑफ कर लिया करो। सर मेरा पता नहीं आज बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे नॉर्मली मैं माइक ऑफ ही रखती हूँ सर। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बाकी बच्चे घबरा गए थे बिल्कुल, दो चार तो अभी एग्जिट हो गए थे, अभी मैंने इनको एंट्री दिलाई वापस। कह रहे डांटती है, इतना ज्यादा खराब बोला था सर कुछ मैंने, पता नहीं मैं डांट दिया, वो बोल रहे संगीता आंटी डांट रही है इसलिए भग गए। चलो she held something at her side which was totally hiding। अब देखो हाथ तो एक देखो एक दिन आप was verb plus verb की ing form जो होती है ये past continuous को show करती है, वो भी active voice को show करती है, right? Active voice में past continuous को show करती है। अब खुद सोच के देखो कि यहाँ पे जो something है या जो side of her साड़ी है जो भी xyz, ये living thing है या non living thing है? नॉन लिविंग थिंग है ना, तो नॉन लिविंग थिंग है वो तो अपने आप को एक्टिविटी नहीं करेगा, ये तो नहीं कहेंगे कि भाई द पेन वॉज हाइडिंग दिस, नहीं बोल सकते ना ऐसा। मैं ये नहीं कह सकता कि माई चेयर वॉज हाइडिंग अ पेन, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो नॉन लिविंग है, वो एक इंसान की तरह एक्टिविटी कर नहीं सकता। तो ऐसे में हमें कहना था कि द पेन वॉज हाइड एंड द पेन वॉज हिडन, द साड़ी वॉज हिडन, मतलब द समथिंग वॉज हिडन, ऐसे बोलना चाहिए हमको, ठीक है? तो ऐसे में आंसर आया hiding की जगह hidden। ऐसे इसको करने का एक छोटा सा ट्रिक बताऊं, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, ये भी बड़ा प्यारा है, उतार लो। अगर कभी भी हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाए, ये भी मस्त रोल है, पता नहीं कैसे अचानक से दिमाग में आ जाता है मेरे। अगर कभी भी सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू अगर कभी भी प्रीपोजिशन से जुड़े, किससे जुड़े? प्रीपोजिशन से जुड़े, ठीक है? तो उसके बाद आने वाला वर्ब, आने वाला प्रोनाउन, आने वाला एडजेक्टिव हमेशा आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन। जल्दी से टीप लो इसे, जल्दी टीप लो। वही बच्चे मने थक भी ना आप, रिद्धिमा डन, ठेंगा दिखा दो एक बार, शाबाश। ये फिर नाखून चबा रहे तुम, गंदी आदत, गंदी आदत बेटे। भूल गए लाइफ बॉय वाले ऐड में मम्मी आके क्या बोलती है, कितने जम्स होंगे, हाय राम। वही आपकी मम्मी जी कहेंगे कितने जम्स होंगे, नाखून चबा रही हो, बताओ। चलो देखो, तो सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू अगर कभी भी पड़ोसन से प्रीपोजिशन से जुड़े तो हमेशा उसके बाद आने वाला वर्ब, आने वाला प्रोनाउन या आने वाला एडजेक्टिव, वो हमेशा वर्ब सॉरी सब्जेक्ट वन के हिसाब से आता है, ठीक है? अब आ जाओ आपके यहाँ पे वापस। अब देखो शी हेल्ड समथिंग एट हर साइड, लिसन पैरेलल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एट प्रीपोजिशन आ रहा है, हाँ कि ना, एट प्रीपोजिशन आ रहा है, तो एट हर साइड विच, इसको यहाँ से यहाँ तक मिटा दो, एक बार पढ़ना। शी हेल्ड समथिंग, इस शी हेल्ड को भी हटा दो, सीधा इतना पढ़ो, समथिंग वॉज टोटली हाइडिंग। अजीब सा नहीं हो गया? Something was totally hiding. So something was totally hidden. Padhna puri line. Something was totally hidden by the fold of her sari. Bana ki nahi bana? Aa gaya na? Arey, mauj aa gayi. Aise karke na questions ko tod karke aasan banane ki koshish kiya karo. Ye kala hai. Question ko tod madod ke aasan banana bhi apne aap mein ek kala hai. Agla question. Sir, I was surprised.
आना चाहिए सरप्राइज आएगा क्योंकि ये सरप्राइज एक पार्ट आएगा शाबाश शाबाश आई वाज सरप्राइज्ड होता है क्योंकि आप सरप्राइज होते हो ना कि आप उसको कंटिन्यूटी में करते हो। अगला इसका आंसर तो सबसे आसान है चित्रु भी था ना सरप्राइज। हाँ बिल्कुल सर फॉरगिवन शाबाश। ये किसने बताया? श्रेया। बहुत बढ़िया श्रेया शाबाश। निधि सर निधि ने बताया। ओ शाबाश मोने थाक बे निधि। So in case you apologize for having broken your promises, you will certainly be forgiven. क्योंकि अभी पीछे आपको first वाला question याद है कुछ ऐसा ही था ये देखो be के साथ appreciate लिखा था तो काट के हमने appreciated करना पड़ा था उसी तरीके से यहाँ जो be लिखा है be के बाद forgive नहीं आएगा forgiven आएगा क्योंकि be plus verb की third form होती है ना। मीनिंग क्या आ रही है कि अगर तुम अपनी गलतियों को यानी कि आपने जो प्रॉमिस तोड़ा उसके लिए अपोलोजाइज करोगे तो उसको क्या किया जाएगा माफ कर दिया जाएगा पैसिव वॉइस। अगला क्वेश्चन सर सी डी आएगा और मतलब उसमें लॉक अप डार्क क्लासरूम आ जाएगा डार्क क्लासरूम। चलो बढ़िया देखते हैं बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ये आंसर आ रहे हैं श्रेया बी 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 ए हैं अच्छा पहले वाले का आएगा। अरे बच्चों आंसर दो। संगीता कहाँ गई चोले गाचे सर मैं जिंदा हूँ सर यही। ओ जिंदा तो वो तो अमर रहोगे मैं कह रहा हूँ कहाँ चलेगा मतलब लेफ्ट कर गएगा ये पूछ रहा था जिंदा हूँ मतलब क्या तुम भी कमाल की बात करती हूँ। चलो देखते हैं अब मैंने इनको कहा था कि म्यूट करके बात करना घर वालों से या बच्चे को डांटना वो सर मैंने अभी किसी से बात नहीं की सर। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि मतलब इतनी देर से म्यूट कर रखा था तो मुझे लगा हो सकता है अभी प्रोग्रेस में है काम अभी चल रहा है इसलिए म्यूट कर रखा इसलिए मैं कहा भैया इसका मतलब जितने भी म्यूट करके चुपचाप बैठे रहते हैं ये क्या डांटी है। सर्वित को बहुत हंसी आती है सर आपने भी आंटी भी बोला वही सबसे ज्यादा हंसा था। अरे भाई ये सही है बेटे इनकी शादी होने दो एक बार फिर बताते हैं। चलो आफ्टर एवरी स्टूडेंट हैड गॉन अवे द पियोन लॉक्ड अप द क्लासरूम तो लॉक्ड अप द क्लासरूम था सॉरी गलती हो गई। हाँ बताना आंसर क्या बताया आपने ग्रेविटी कुछ बताया था सर इस वाले में डार्क क्लासरूम आ जाएगा। हाँ वो तो दा गलती का था इसके अलावा कुछ और गलती सर नो एरर दा पहले से ही है उसके अलावा बता मैं। चलो बहुत बढ़िया बेटे शाबाश नो एरर है। अगला क्वेश्चन वैसे ये क्वेश्चन जो है टेंस के अंदर मैंने सिखाया था आफ्टर बिफोर वाला रूल जिस बच्चे ने अटेंड नहीं करी है टेंस की क्लास मैं बैकअप दे दूंगा देख लेना। अगला जल्दी जल्दी आंसर दो। आया आंसर किसी का आया 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 have been killed. चलो दो तीन बच्चों का आंसर आ गया। अंशुल भाई आप भी लिख के या बोल के आंसर बोला करो। भैरव आंसर नहीं दे रहा। सोमा सोनू ललिता चाहू मेहना संगीता तो दे रही है बीच में करण खन्ना राकेश ठाकुर सलोनिया सलोनी साहू और निधि शर्मा। निधि का भी एक बार कुछ आंसर आया था निधि गुप्ता का आया था। अच्छा ये शर्मा अलग है निधि निधि अलग है सर मैंने आंसर दिया था पहले। अरे तुम लोग फर्जी आदमी झूठ बोलते हो कोमल I would have been killed. ठीक है और वैसे अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर से अगर आप इसको समझने की कोशिश करते तो क्या मीनिंग आती हैड द पुलिसमैन नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम यानी कि अगर पुलिसमैन यहाँ टाइम पे नहीं पहुंचा होता
तो रॉबर के द्वारा मार दिए वह मार दिया जाता है, ये मीनिंग है इसकी, समझे? कंडीशनल का पार्ट था ये। अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड इयर्स अगो इट बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट, आंसर दो। इट वाज सर, इट वाज बिलीव्ड। ओके निधि, निधि शर्मा वाली शर्मा, यस इट वाज बिलीव्ड, इट वाज बिलीव्ड। निधि गुप्ता का तो आंसर आ रहा है, निधि शर्मा का आंसर नहीं आ रहा। अरे चार भरजी लोग ये आंसर नहीं देंगे, इनको कितना भी मैं मोटिवेट कर दूं मोटी हो जाएंगे लेकिन वेट नहीं होंगे ये लोग। हैं अध्याय आंसर देने की कोशिश किया करो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, माइक ऑन करके हक से बोलना ही तो है, बताओ ये आंसर आना। देखो एक दो बार, एक दो बार गलत हो गया, फिर एक नो दो एक तीन बार तो फिर सही तो हो गया। गलत नहीं करोगे ना तब तक आपकी गलती आपको याद नहीं रहेगी, एग्जाम में ना आपको क्वेश्चन याद रह जाएगा पर, क्योंकि हाँ यार ये सीखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट आप वही बच्चा याद रख पाएगा जिसने कोशिश करी थी और गलत किया था और उसके बाद फिर आरके सर ने बेइज्जती करी थी और फिर उसका सही हुआ था, वो इंसान कभी नहीं भूलेगा, वो कभी नहीं भूलेगा उसका सही आंसर। होगा क्या होगा? बी होगा। शाबाश शाबाश, देखो आंसर आएगा इट वॉज बिलीव्ड, इट वॉज बिलीव्ड। ये कुछ बच्चों ने आंसर दिया भी था, एक मिनट ये आया आंसर, देखो सुरभि, चित्रा, अंशुल, कोमल और संगीत। बेटा कारण भी बता दो, ये चाहूं मैं आना कब आंसर आया, कारण भी बताना है क्वेश्चन। अरे आंसर तो दे दिया, कारण भी तो बताओ। पास्ट टेंस ठीक है, तो बिलीव्ड था सही अपनी जगह, बिलीव्ड भी तो पास्ट ही था, वॉज क्यों लगाया मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आपने आंसर तो चलो बता दिया, हो सकता है देख के बताया हो, मैंने प्रेशर दिया बता दिया कारण, क्योंकि पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस के साथ बहुत ज्यादा बहुत बार लगाते हैं। चित्रा चलो बढ़िया बढ़िया, मैं बताता हूँ देखो, बहुत कॉमन सी चीज थी ये। अगले पेज में देखो एक छोटा सा सेंटेंस दिखाता हूँ, इट सेड दैट गर्वित इज द richest मैन इन इंडिया। ओ भाई साहब ले, ओए ओए देखो खुशी देख रहा, खुशी देख रहा है निब्बे की है। चलो शाबाश बेटे हीरो, ये एक तो हैंडसम ऊपर से सबसे अमीर। अब देखो ये मीनिंग क्या आएगी इसकी, इट सेड दैट गर्वित इज द richest मैन इन इंडिया, मीनिंग क्या आ रही है इसकी समझिएगा गौर से। अगर यहाँ पे हम इट की जगह कोई अगर नाउन लगा देते, मान करके चलो अगर मैं इट की जगह यहाँ पे किसी का नाम लिख देता, जैसे ढिंचक पूजा, अब पढ़ के देखना एक बार सेंटेंस बन सकता है कि नहीं, पूजा सेड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसकी जगह दीपिका पादुकोण लगा दें तो पढ़ के देखो एक बार सेंटेंस, दीपिका सेड। अगर पूजा और दीपिका लगा सकते हैं तो शी भी लगा सकते हैं, पढ़ के देखो एक बार, शी सेड, ये भी पॉसिबल है, बन गया राइट। यानी कि यहाँ पे हम अगर कोई इंसान लगाते तो इजिली बन जाता है, लेकिन यहाँ तो इट लिखा है। अब इट को हम पूजा से, टिंचक पूजा से, या दीपिका पादुकोण से, या आलिया भट्ट से, जिनको ये सपने में देखते हैं बेचारे, ठीक है, तो अगर उनसे तो रिप्लेस कर नहीं सकते ना इट को, क्योंकि इट तो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। अब एक बार इट को जो है हम रिप्लेस करते हैं, किससे हो सकता है, ये जानवर से। अब पढ़ के देखना एक बार, करेगा ऐसा हो सकता है, कभी गधा कहता है, गाय कहता है, कुत्ता, बंदर, हाथी, घोड़ा, नहीं हो सकता, समझे? क्योंकि इट को हम रिप्लेस कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग से या तो एनिमल से। अगर हम इट की जगह टेबल, चेयर ऐसे लिख दें तो बनेगा? नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये मीनिंग नहीं आ रही है कि ये कहता है, यहाँ मीनिंग आ रही है ऐसा कहा जाता है, समझे? मीनिंग ये नहीं है कि ये कहता है, मीनिंग ये आ रही है कि ऐसा कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि तो सर यहाँ इट एज ए प्रोनाउन यूज नहीं हो रहा है सर। नहीं, इसे ये मैं प्रोनाउन के टॉपिक में पढ़ाऊंगा। इट इंग्लिश में तीन तरीके के होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, और एक होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है, ये वही है। लेकिन इसकी डिटेल अभी मत पूछना, ये मैं आपको प्रोनाउन में सिखाऊंगा पूरा खुल के, ठीक है? जो ठीक है, तो ये जो इट आया यहाँ पे, यहाँ जो इट आया है, यहाँ मीनिंग आ रही है कि ऐसा
कहा जाता है कि गर्वित जो है सबसे ज्यादा अमीर बंदा है पूरे भारत के अंदर, मतलब अंबानी के बाद यही अगला नंबर इसी लौंडे का आता है। बिल्कुल मस्त, चलो डन, ठेंगा दिखा दो, क्लियर हो गया तो खुशी देख रहे हो चेहरे पे, दान एकदम बत्तीसी। देखो अब यहाँ पे द टीचर सेड इयर्स अगो, टीचर ने कहा कि बहुत समय पहले, इट बिलीव्ड दैट, कि ये बिलीव करता था, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, हमें बोलना पड़ेगा ऐसा बिलीव किया जाता था, ऐसा माना जाता था कि अर्थ जो है वो चपटा है, फ्लैट है। आप समझ में आ गया सबको? चलो तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी पीडीएफ आपको अपने आप करना। लास्ट वाले में नो एरर आएगा, अभी और भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इतने भी खत्म हो गया, नीचे और भी हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको 13 वाले में नो एरर है। 13 तक मैं करवा देता हूं, बाकी अपने आप करना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, घर से करना। यस सर, 13 का आंसर दो, नो एरर। अच्छा नो एरर, संगीता नो एरर सर। ओए हो, एक साथ बोला, कौन कौन देखा, दो लड़कियों ने एक साथ आंसर किया था, निधि वर्मा और निधि। सर नो एरर सर, आपने पहले ही बताया टॉर्च बेयरर जो रास्ता, सर नो एरर है, से बोलते हैं हां नो एरर। पास, चलो देखो नो एरर होगा सर। तो वी हैव नॉट इन्फॉर्मड दैट अबाउट द डेथ ऑफ आवर बिलव्ड लीडर एंड टॉर्च बेयरर। टॉर्च बेयरर का मतलब क्या होता है पता है सर? पथ प्रदर्शक। हां पथ प्रदर्शक, ये मैंने बताया पहले सर, एक बार बता दो टॉर्च बेयरर का मतलब। कोई मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, गुरु, गुरु कह सकते हैं इसको। नो एरर, राह दिखाने वाला, राह दिखाने वाला, अरे वो टॉर्च लेके आगे आगे चलने वाला यार, टॉर्च से याद रख लो, टॉर्च लेके आगे आगे सर, जो हवेली का रास्ता बताता था जो हवेली का, आओ कभी हवेली पे, वो वाला जो टॉर्च लेके आगे आगे चलता फिरे, वो टॉर्च बेयरर होता है। आसान है ना? तो ये 13 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, बाकी क्वेश्चंस आपको दहेज में मिल गए, अगली क्लास तक ये पूरा करके रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि कितने किस बच्चों ने कितने। तो ये पीडीएफ आपने शेयर कर दिया? मैं अभी कर दूंगा क्लास के 5 मिनट बाद, ये आपको मिल जाएगा, इसको सभी बच्चे आज तक पता ही नहीं चला, 10:30 कैसे बज गए, अभी भी लग रहा था 10:30 नहीं बजे। इंटरेस्टिंग क्लास है, कंटिन्यू क्लास, आज बीच में रुकी नहीं यार, आपके पास मैसेज आया था, सभी के पास आया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि रात को मतलब ये फ्री कर देते हैं आई थिंक, ऐसा जब भी मैंने देखा सर होता है 40 मिनट्स का, मतलब इतनी देर तक चल जाता है। मैंने क्लासेस ली है ना जूम पे, तो 10:30 से लेकर मैंने 12 बजे तक का वो लिखा था, वो चल गया 1-2 बजे तक, और ओ, ओ, ऐसा भी चलता था। क्या बात है, चलो तो मौज कर दी भाई, फिर तो मौज आ गई। चलो ठीक है सर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट सर, कल क्लास होगी क्या? भूत के सपने देखो, कल का देखते हैं, कल वैसे तो सैटरडे है, शनिवार रात ही हमें नींद नहीं आती है, सैटरडे पार्टी सर, पार्टी है ना सर, आपका बर्थडे कब आ रहा है? बर्थडे आने वाला, बर्थडे का आने वाला बर्थडे, अरे बताओ ना सर, तुम अगर तुम ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के सब पे सर्च कर लो, उसमें लिखा है कहीं ना कहीं, ठीक है, आने ही वाला है, आएगा मेरा और मेरी मैडम का आस पास में बर्थडे आने वाला है, ठीक है। अरे सर बताओ तो नंबर, मेरे ख्याल से 24 जुलाई है, 24 या 23 जुलाई है, किसका नंबर मांग रहे थे दिमाग सर का? 23 जुलाई है आई थिंक, पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ ना तब, है ना, रुको।